हाय एवरीवन, स्वागत है आपका रसोई विद कप शप में। आज मैं बनाने जा रही हूँ भरवा टिंडे की सब्जी। इसके लिए हमने छोटे साइज के टिंडे ले लिए हैं और इनको छील लिया है धोकर, और इसको इस तरह से बीच में चीरा लगा दिया है। और कुछ हमने इसमें दो चार प्याज भी लिए हैं, उसी को भी इस तरह से चीरा लगा देंगे। एक दो हम इसमें मिर्ची डालेंगे, उसमें भी इस तरह से चीरा डाल के मसाला भर लेंगे। ज्यादा बड़ी है तो दो हिस्से कर लेंगे। मिर्ची हम थोड़ी बाद में डालेंगे। इसको चीरा लगा के रख देते हैं कि मिर्ची जल्दी कुक हो जाती है, तो इसको हम थोड़ा बाद में डाल लेंगे जब सब्जी हमारी थोड़ी हाफ डन हो जाएगी। इसमें डालने के लिए हमने लिए हैं कुछ सूखे मसाले। इसमें डाल रहे हैं हम 1/4 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच अमचूर पाउडर, 1 चम्मच मिर्ची और 2 चम्मच हमने लिए हैं धनिए के। हम एक कटोरी में डाल लेते हैं मसाले को। अमचूर पाउडर नहीं है तो आप इसमें चाट मसाले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आप अमचूर नहीं खाते हैं तो। मिक्स कर लेते हैं इसको। अच्छी तरह से मिक्स करके सभी मसाले एक सार हो जाएं। ये जो हमने चीरा लगा रखा है इसमें टिंडों में, इसमें हम भरते जाएंगे। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, बहुत स्वाद लगती है। दाल के साथ बनाएं इसको आप, बहुत स्वाद लगती है। और छोटे छोटे टिंडे बहुत बढ़िया आ रहे हैं अभी, कच्चे कच्चे से। इस तरह से हम सारे टिंडे और प्याज को भर लेंगे। ये देखिए, 1 बड़ा चम्मच हमने सरसों का तेल चढ़ा दिया है। इसे एक बार गर्म करके ठंडा कर लिया, फिर थोड़ा सा गर्म किया है, और ये हमने सारे टिंडे, प्याज और हरी मिर्चों के अंदर मसाला लगा लिया। सबसे पहले हम टिंडों को प्लेस कर देते हैं। साथ ही हम अपने प्याज भी रख देते हैं इसके अंदर। मिर्ची हम बाद में डालेंगे। धीमी आंच के ऊपर इसको ढककर 2-4 मिनट के लिए कुक होने देते हैं, ताकि ये थोड़ा सा मसाला इसका सेट हो जाए। देखिए, 2-4 मिनट हो गए हैं, मॉइस्चर से थोड़ा थोड़ा बाइंड हो गया मसाला। अब इसको हल्के हाथ से ऊपर नीचे कर लेते हैं। थोड़ा सा इसमें हम पानी का छींटा दे देंगे। अब हम इसको ढककर 10 मिनट के लिए कुक करेंगे, जब तक कि जो हमारे टिंडे हैं अच्छी तरह से पक जाएं, और बीच में हम इसको एक दो बार उलट पलट भी कर लेंगे। ये देखिए, 9-10 मिनट हो गए हैं सब्जी को कुक होते हुए। टिंडे हमारे गल गए हैं, थोड़ा सा और भूनेंगे इनको। इस वक्त हम इसमें हमारी मिर्ची डाल देते हैं। 5 मिनट के लिए अब ढककर और कुक कर लेते हैं, ताकि ये जो प्याज और टिंडे हैं अच्छी तरह से भुन जाएं। ये देखिए, 5 मिनट और हो गए हैं कुक होते हुए, अच्छे से टिंडे भुन गए हैं। देखिए हमारे, इसके अंदर अब हम 2 चम्मच मलाई को फेंट के डाल देंगे। इससे इसका बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट हो जाता है और टेक्सचर भी चेंज हो जाता है। अब इसको खुले में ही 2-4 मिनट और चला लेते हैं। थोड़ा सा इसमें हमने डाला है कसूरी मेथी और हरा धनिया, मिक्स करके गैस बंद कर दी है। चलिए प्लेटिंग कर लेते हैं इसकी। ये देखिए, बहुत ही बढ़िया सी हमारी भरवा टिंडे की सब्जी बन के तैयार है। बहुत ही बढ़िया सब्जी बनी है। एक बार प्लीज़ इस रेसिपी को ट्राई करें और इन्जॉय करें। तो मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक बाय, खुश रहिए।